वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास एन चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट क्लास में भी ये एक चैप्टर आपको मिलेगा, तो इसे अच्छे से करिए। आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से याद करनी है क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रही है आपको और ये 10th क्लास तक चलेगी आइडेंटिटीज। इसका एक वीडियो एक पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। यदि आपके पास बुक हो तो 6.2 के नेक्स्ट पेज पे यानी कि 83 पेज पे आपको सारी आइडेंटिटीज लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन फिनिश हो चुका था, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वैल्यू दी है ए क्यू प्लस 8 बी। ओके, दिस इज गिवन यू। आपको यहाँ पर एक और वैल्यू दी है ए प्लस 2 इज 10, ए बी इज इक्वल टू 15। अभी इस क्वेश्चन को देखने पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, बट आप यदि इसे ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, तो ये एक आइडेंटिटी के थ्रू आपको दी गई है। तो आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिखी ए क्यू प्लस बी क्यू, बट अभी ध्यान से देखिए ए क्यू का आपको मिल गया लेकिन बी क्यू की जगह पर यहाँ पर 8 आ रहा है जिसका क्यू नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। आपको 8 को भी क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए क्यू प्लस 2 बी क्यू। इसे मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ब्रैकेट जैसे ही मैं ओपन करूंगा 2 का क्यूब क्या बनाएगा 8 और b का बी क्यू, तो यहाँ वापस हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो अब आप क्लियर देख सकते हैं ए की वैल्यू हो गई हमारी 8 और बी की वैल्यू हो गई हमारी 2 बी। अब ये इस फॉर्म में दिया हुआ था क्वेश्चन, राइट? तो आपको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं इसे a प्लस बी का क्यूब, a प्लस 2b का क्यूब, राइट, माइनस 3ab, 3ab, ab, a, b, राइट, ब्रैकेट ब्रैकेट a प्लस बी a प्लस 2b। तो आपने जैसे देखा कि इस फॉर्म में मैंने लिख दिया है, अब क्लियर हो गया। ये देखिए ए प्लस 2b की जगह आपको 10 पुट करना है, ए बी की जगह आपको 15 लिखना है। तो देखिए ए प्लस 2b की जगह मुझे 10 लिखना है, मैंने 10 लिख दिया, 10 का क्यूब। यहाँ पर 3 2 6 ए बी होगा, एक स्टेप छोड़ रहा हूं मैं, पर यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 6 ए बी होगा, 6 मल्टीप्लाई ए बी की जगह मुझे 15 लिखना है, ये लिख दिया मैंने 15, ब्रैकेट ए प्लस 2b की जगह 10 लिखना है, ये लिख दिया मैंने 10, ये मल्टीप्लिकेशन है। ओके, 10 का क्यूब हो गया 1000 माइनस 15 सिक्स 90 एंड 10 900, तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में। ओके, ये चीज ध्यान रखना, फिर दोनों को हम माइनस कर लेंगे, 1000 में से 900 गए, कितना बचा, इज इट 100? यस, दिस इज योर आंसर। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको करना है। ठीक, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिवन दैट फाइंड द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और वैल्यू पुट करके आपको आंसर चेक करना है। एक्स की वैल्यू आपको 1 रखना है, वाई की 0, देन आंसर चेक करना है कि क्या है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी से सॉल्व होगा और सेकंड अपना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट करता है तो कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, देन आपस में मल्टीप्लाई। पर ये करोगे तो थोड़ा बड़ा जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा, उससे बेटर है आपको आइडेंटिटी चेक करना। दिस इज थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी इज दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये आपको मिल जाएगी आइडेंटिटी में। अब हम देख रहे हैं कि ये इस पार्ट से मैच कर रहा है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ए और बी निकाल लेते हैं, तो ए की जगह हमारा दिया हुआ है एक्स और बी की जगह हमें दिया हुआ है 2y, तो हम इस फॉर्म में उसे लिखेंगे, ए की जगह एक्स उसका स्क्वायर, बी की जगह 2y उसका स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की जगह 1 का स्क्वायर, टू
y की जगह 0 0 का स्क्वायर, आपका आंसर आ गया 1। देखा किस तरीके से इजीली हो गया। आइडेंटिटी से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा और इजी सॉल्व हो जाएगा, बट उसके लिए आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी दो पार्ट में होती है, एलएचएस और आरएचएस। कभी कभार एलएचएस दे देता है आपको आरएचएस में लिखना पड़ता है, कभी आरएचएस पार्ट दे देगा तो आपको एलएचएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में भी सेम है, प्रोडक्ट करना है आपको, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, x की जगह 2 पुट करना है, y की जगह 1। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया आपको नंबर नंबर का प्रोडक्ट होगा, तो 4/3 × 6/7 हो जाएगा। x से x का होगा x3, y से y का होगा y3y। ठीक, सबसे पहले नंबर का कर लेते हैं। 3×2 = 6 का आइडिया, या चाहो तो आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, 4×2 = −8/7 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 हो गई, यहां पर वाई की पावर भी 4 हो गई। ठीक, तो यहां पर ये फिनिश हो गया मल्टीप्लीकेशन। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की जगह पे 2 − 8/7 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे 2 पुट किया और वाई की जगह पे 1, ये पुट हो गया। नाउ नेक्स्ट −8/7 2×2 = 4, 4×8 = 16 यहाँ पर बनाया 60 मल्टीप्लाई 1 को कितनी बार देखो 1 ही आंसर आया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ÷7 डिवाइड नहीं करना है आपको, अपॉन में ही आंसर लिख सकते हैं। यहाँ हो गया 48, 8 × 4 = 128 ये कट रहा है, काट दीजिए, वरना ऐसे ही आपको रहने देना है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। राइट, तो इसी टाइप से आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप फेयर कॉपी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे और समझ भी आ रहा होगा। आज आपको मेरी आवाज क्लियर हो रही होगी क्योंकि मैंने पेन ऑफ कर दी है, क्योंकि जब भी मैंने लाइव क्लास ली थी तो यही प्रॉब्लम आई थी कि आवाज नहीं आ रही है सर, उसे मैंने दूर करने की कोशिश की है। आई होप आपको इस बार क्लियर वीडियो और क्लियर ऑडियो आ रहा। थैंक यू।